नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड में पहुंचे हुए हैं। आज फैक्स अध्यक्ष का चुनाव के लिए आज नामांकन जारी किया गया है। जी, मेरा नाम रंजन कुमार शर्मा हुआ और बेझा पंचायत से पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए हम अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं। तो जनता के बीच जाना है, हम तो दो बार से इलेक्शन उनसे लड़ रहे हैं। जो पिछले अध्यक्ष हैं वो 30 बरस से समझिए जो वहाँ आसीन है, लेकिन उनके द्वारा किसान के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि उनको तो आना ही नहीं चाहिए ये पंचायत से लड़ने। 30 वर्ष से लगातार वही गद्दी संभाल वही हैं, ठीक है, जिसमें पहले तो लगातार वो निर्विरोध ही रहे हैं। दो बार से हम लड़ रहे हैं, पिछला बार 12 वोट से हम पीछे रह गए थे। हाँ, वहाँ का जो पैक्स गोदाम का स्थिति, कभी मिथुन जी आप आइए, बेझा पैक्स गोदाम भी दिखाइए लोग को, ठीक है, जो कब वो गिर जाएगा कि ढह के। उस पर चुनाव जीतते कैसे हैं, लगातार 30 वर्षों से बने हुए हैं? चुनाव वो जीतते हैं, कुछ लोग उनके एजेंट हैं यहाँ, ठीक है, वही एजेंट लोग उनका हाँ चुनाव जिताते हैं। इस बार बेरा पार लगेगा कि नहीं लगेगा? इस बार तो पिछले बार बुझिए कि बेरा खत्म था, अब इस बार जनता मालिक है। अब जनता के को काम अगर किए होंगे, जनता के विश्वास पर खड़े उतरे होंगे, तो वोट मांगने की जरूरत कहाँ। हम इस बार आ रहे हैं या आ गए तो फिर ऐसा काम करेंगे जो अगला बार हमको पब्लिक से वोट मांगने की जरूरत, वो खुद कहे कि नहीं नहीं यही होगा, ठीक है, वो काम करके हम लोग दिखा, विश्वास से मतलब निकल पड़े हैं कि इस बार हम जीत के दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता मालिक है। हाँ, ये जनता तो सुन ही लिए हैं पूर्व अध्यक्ष जी, लगातार 30 वर्षों से। हम तो बेझा गनीपुर बेझा की नहीं, हम तो जान रहे हैं कि जिला और प्रदेश के नेतृत्व करते हैं वह, और इसी उम्मीद के साथ गनीपुर बेझा के सभी किसानों जनता ने उनको आश्वस्त आसीन उनके पैक्स पर किया था कि इनके इनको जिता देने के बाद यह मॉडल पंचायत बनेगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कर पाए हैं। अध्यक्ष पद के लिए हुआ है रामपुर मनी पैक्स में। लगातार जनता आप ही को चाह रही है, आखिर क्या बात है? तो जनता का विचार है, हम जितना जो काम है हम अपने से लगभग स्वयं काम करते हैं, और इसी के कारण जनता जो है सो हमको बराबर वोट या चाहत करते हैं। कौन सा लक्ष्य लेकर इस बार जनता के बीच जाना है? जनता के बीच तो हम जाएंगे खाद बीज और धान खरीद या कीटनाशक के दर दवा जितना भी है, समिति से लगभग हम किसान को जहाँ तक होता है पूर्ति करते आ रहे हैं 1999 से। अच्छा अध्यक्ष महोदय, जनता कभी चाह रही थी जी भाई पैक्स अध्यक्ष में कौन कौन सी योजना आता है जो कि हम अंधकार में रहते हैं और लाभ कई पंचायतों में नहीं मिल पाता है, आखिर कुछ आपके द्वारा जनता जाने जब आखिर अध्यक्ष में पैक्स अध्यक्ष में क्या क्या लाभ होता है? ठीक है, आप जो बात बताइए। पैक्स अध्यक्ष का जो काम है, नेता का काम नहीं है, वो खास करके बनिया का काम करना है, उसको जो है सो बैंकिंग भी करना है, उसके बाद सदस्यता बनाना है, समय से बना देना है, उसके बाद जो है सो किसान का धान गेहूँ या मक्का जो भी है सरकार द्वारा जो परचेज होता है वो किसान के खरीद समय से हो जाना चाहिए, और करना हमारा दायित्व है। हम जो भी चाहेंगे कि हम नहीं करें तो इसका मतलब है कि हम काम छोड़, और अपना जहाँ तक है लगभग हम अपना काम अपना जो दायित्व है वो लगभग करते रहते हैं। योजना जहाँ तक है कि किसान के लिए ऋण, तो ऋण है लेकिन ऋण का जो है सो आज के ज़माना में बिना इसके नहीं होता है, तो बैंक में तो क्रेडिट कार्ड बना करके 2 बार हम क्रेडिट बांट बनाए अभी तक ले पूरे मैंने 1999 के बीच में, लेकिन आज तक ले कोऑपरेटिव बैंक से मिला है नहीं कुछ है। क्या पर्चे हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम शिव शंकर ठाकुर नाम है, पूर्व अध्यक्ष है, अभी भी हम अध्यक्ष पद के लिए लगभग कई साल से इस पद पे कार्यरत हैं। 99 से लगातार है। इधर तकिए तकिए इधर। जयकारो मनाना ना दाऊ। हाँ 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 बोलिए। जल्दी फुल निकालने जाओ। क्लियर है।
निर्विरोध के कथी होइ छै सिंपल सर हां निर्विरोध तीन गो कह दियौ तीन गो करा अरे चार गो ना तीन गो तीन गो चार गो तीन गो होइ छै हां तीन गो